तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में, T3, T4, TSH तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी पेशेंट का रिपोर्ट हम लोग करवाए हैं और उनका कुछ प्रॉब्लम निकली है थायराइड में, तो हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल थायरोक्सिन T3, तो T3 में 168 आई है, जो कि नॉर्मल रेंज होना चाहिए 58 से लेकर 159 तक। तो ये 168 आई है, मतलब कि बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल थायरोक्सिन T4 में आई है इनका 10.51, जो कि रहना चाहिए 4.87 से लेकर के 11.72 तक। तो ये नॉर्मल है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH में 3.42 आई है। 3.42 आने का मतलब है कि ये नॉर्मल है, इसकी 0.35 से लेकर के 4.94 तक होनी चाहिए थी, तो 3.42 आई है, तो जो कि नॉर्मल है। तो सिर्फ इनका टोटल थायरोक्सिन बढ़ा हुआ है, T3 मतलब कि बढ़ा हुआ है 168 हो गई है, जो कि रहना चाहिए था 159 तक ही, 159 से नीचे रहना चाहिए था और 58 से ऊपर रहना चाहिए था, तो ही उसको नॉर्मल माना जाएगा, लेकिन इनका है 168, तो इसको बढ़ा हुआ है, तो इनको दवा कंटिन्यू चलना चाहिए था और दवा कंटिन्यू चलेगा। तो अगर आपको इस तरह का थायराइड में प्रॉब्लम निकले, कोई भी बढ़ा हुआ है तीनों में से निकले, तो आप कोई डॉक्टर से संपर्क करें और उसका ट्रीटमेंट कराएं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ज्वाइंट पेन वगैरह, मतलब घुटने में दर्द वगैरह या मसल्स पेन, बहुत तरह का प्रॉब्लम आने लगती है थायराइड बढ़ने से, वीकनेस अच्छा लगने लगती है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आप डॉक्टर से संपर्क करके और उसका ट्रीटमेंट करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपको लगता है कि थायराइड हो सकता है आपको, तो आप जरूर जांच करवाएं। आप अगर आप आपको किसी तरह का और कुछ क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। और वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।